हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सभी का। दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जसल मैनेजमेंट कोचिंग के ऊपर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की, जिसको हम मोडी मेथड भी बोलते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ही एक पार्ट है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम कुछ मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। वो कौन कौन से थे? हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, लीस्ट कॉस्ट एंड वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, ये सभी हमने जो मेथड है वो हमने कवर कर लिए हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा इन तीनों मेथड का। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो स्टिपिंग स्टोन मेथड के ऊपर होगा। बेसिकली जो ये मेथड है ना, ये टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। कहने का मतलब कि सपोज कीजिए आपका ये मेथड लगवा कर कोई आंसर आ रहा है, क्या आप उस आंसर को, उस कॉस्ट को थोड़ा और रिड्यूस कर सकते हैं? उसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन हो सकती है? उसको हम कैसे चेक करते हैं? जी, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगवा कर या फिर स्टिपिंग स्टोन मेथड लगवा कर। तो इन दोनों में से ज़्यादा बेटर ये वाला मेथड होता है, मोडी मेथड, जो आज हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टिपिंग स्टोन मेथड वो भी हम कवर करेंगे। तो चलिए आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। आई होप आपको ये बात पहले से ही पता होगी। सॉरी, 1 मिनट। हाँ देखिए दोस्तों, हमारे पास ये होते हैं, एक मैट्रिक्स होती है, ठीक है ना। हमने क्या किया, स्केयर बनाए हुए हैं। तो इनमें से क्या होता है, जो हमारा जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स होता है ना, सपोज कीजिए जे वाला, ये कौन कौन सा होता है? वन 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 वन। कैसे, इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। हम इधर को भी वन में जा रहे हैं और इधर को भी वन में जा रहे हैं। वन वन, ये हमारी लाइन वन है, ये हमारी लाइन जो है वो टू है, ये लाइन अपनी थ्री है, ठीक है। ये वन लाइन का वन सेल, वन लाइन का सेकंड सेल, वन लाइन का थर्ड सेल, ये सेकंड लाइन का फर्स्ट सेल, सेकंड लाइन का सेकंड सेल, सेकंड लाइन का थर्ड सेल, ये हमारी थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन का फर्स्ट सेल, थर्ड लाइन का सेकंड सेल, थर्ड लाइन का थर्ड सेल, ठीक है। ऐसे अगर और भी आगे हो तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट लाइन का फोर्थ सेल, सेकंड लाइन का फोर्थ, थर्ड लाइन का फोर्थ। अगर जहाँ पे भी और हो तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फोर्थ लाइन का वन, फोर्थ लाइन का टू, फोर्थ लाइन का थ्री और फोर्थ लाइन का फोर्थ सेल, ठीक है ना। ये दोस्तों बेसिकली आपको थोड़ा पता होना चाहिए। किसी बुक में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और किसी बुक्स में इसको थोड़ा और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बात सभी की सेम होगी, ठीक है ना। इसको ए बी सी मान लेते हैं, एक्स वाई जेड मान लेते हैं। ये जो सेल आपका क्या बनेगा, ए एक्स, ये कौन सा बनेगा, ए वाई, और ये कौन सा बनेगा, ए जेड। ऐसे ही बी एक्स बी वाई, बी जहाँ से और वाई यहाँ से, ठीक है ना। ये कौन सा बनेगा, बी जेड, सी एक्स सी वाई और सी जेड, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। वन वन सेल, वन टू, वन थ्री, वन फोर्थ, ठीक है। टू वन, टू टू, टू थ्री और टू फोर्थ। थ्री वन की तीसरी लाइन का फर्स्ट सेल हो गया, तीसरी लाइन का सेकंड, तीसरी लाइन का फोर्थ और तीसरी लाइन का सॉरी तीसरी लाइन का थर्ड और तीसरी लाइन का फोर्थ सेल। और ये फोर्थ लाइन का फर्स्ट सेल, फोर्थ लाइन का सेकंड, फोर्थ लाइन का थर्ड और फोर्थ लाइन का फोर्थ, ठीक है दोस्तों। बस अभी आप शुरू करते हैं। हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो कौन से मेथड के से रिलेटेड है, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। दोस्तों आपसे ऐसा क्वेश्चन में दिया, एग्जाम में दिया रहेगा आपको डिमांड एंड सप्लाई। सबसे पहले आपने क्या करना है, तीनों में से कोई भी एक मेथड लगवा के सॉल्व कर लेना है। कौन कौन से मेथड, नॉर्थ वेस्ट, लीस्ट कॉस्ट या फिर वोगल्स मेथड। इन तीनों मेथड लगवा के आपने पहले इसको सॉल्व कर लेना है। दोस्तों अगर आपने मेरा पहले वीडियो देखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने वो नहीं देखे तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको नॉर्थ वेस्ट कोस्ट से जो है ना हम सॉल्व कर लेते हैं। वो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। नॉर्थ वेस्ट कौन सा है, जे वाला है, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले एलोकेशन करेंगे कितनी, 56, तो अपना जे 0 हो जाएगा। और जहाँ पे अगर हम 72 में से 56 निकाल दें तो 16 बच जाएगा, ठीक है। फिर आगे वाला हमारा नॉर्थ वेस्ट कौन सा है, ये वाला, और जहाँ पे हम 16 ही रख सकते हैं,
और जहाँ पे अपना जीरो आ गया, फिर नेक्स्ट वाला जे वाला आ गया जहाँ पे 82 की एलोकेशन हो जाएगी, ठीक है ना। ये जीरो हो जाएगा और इसमें से अगर 82 निकाल दिए तो हमारे पास 102 माइनस 36, 36 रह गया अपना। तो यहाँ पे अभी कितना आ जाएगा, जीरो और 36 और 41, ये दोनों गया है 77, जहाँ पे 36 और जहाँ पे 41, जी अपना 0-0 हो गया जी ये भी, ठीक है दोस्तों। तो जी हमने क्या कर दिया, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से इसका सोल्यूशन कर दिया। तो अभी हम आंसर देख रहे हैं कितना आ रहा है, 56 × 4 प्लस 16 × 16 प्लस 82 × 24 प्लस 36 × 16 प्लस 41 × 24। दोस्तों अगर आपको ये नए मेथड समझ आया, मेरी पिछली वीडियो जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। मैंने स्पेशल वीडियोस बनाई हुई हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के ऊपर, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन और लीस्ट कॉस्ट मेथड के ऊपर, ठीक है। आप एक बार उनको जरूर चेक कर लीजिए, अगर आपको ये समझ नहीं आया, मैं थोड़ा जल्दी में इसलिए कर दिया क्योंकि मैंने आपको पहले करवाया हुआ है ये, ठीक है। अब इसका आंसर देख लेते हैं कितना आ रहा है, 16 निकल गया था तो 82 की जगह हमारा 66 रह जाएगा, ठीक है। तो फिर वही 66 इधर आएगा, तो हमारा किधर गया 82, जहां पे 66 बन जाएगा। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3624। कहने का मतलब है कि अगर हम इस ऐसे एलोकेशन करें अपने मटेरियल की तो हमारे पास आंसर आएगा, हमारी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 3024, 3624, ठीक है। अब हम इसके आगे जो हम लगवाएंगे जो मोडी मेथड है, ठीक है, ऑप्टिमेलिटी का टेस्ट, उससे पहले हम एक कंडीशन चेक करते हैं जिसको हम बोलते हैं डी जनरेट, ठीक है। रीजनरेट कंडीशन, ठीक है, रीजनरेट कंडीशन वो क्या होता है, अपना नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स -1। दोस्तों ऑक्यूपाइड सेल को हम यूज्ड सेल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूज्ड सेल, जो हमारे सेल यूज हुए हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हुए हैं, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमारे क्या सेल 5 है, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल कितने हो गए 5, ये 5 यूज हुए हैं। इसको नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो कितने हैं हमारे पास 1 2 3, और कॉलम कितने हैं 1 2 3, ठीक है, 3 रो है और 3 कॉलम है, इसमें से -1 कर देना तो हमारा कितना बन जाएगा 5, और 3 6 -1, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है कि हम इसके ऊपर जो है ऑप्टिमेलिटी का टेस्ट वो लग। तो दोस्तों इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हमने क्या करना है, ये हमारा था फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, और यहाँ पे आ जाएगा अपना थर्ड स्टेप। क्या करना है आपने, असाइन U1 U2 U3 एंड V1 V2 एंड V3, ठीक है। और उसके बाद एक कंडीशन आपने चेक करनी है, Cij इज इक्वल टू UI प्लस VJ, ठीक है, फोर ऑक्यूपाइड सेल, ये आपकी कौन सी है थर्ड। तो हमने क्या करना है, हमने पहले
U1, U2, U3 ड्रा करना है, असाइन करना है। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना जो मैट्रिक्स है वो बना लेंगे। फिफ्टी सिक्स, सिक्सटीन, सिक्सटी सिक्स, 36, 41। ठीक है दोस्तों, तो U1, U2, 3 ड्रा करने के लिए हम जहाँ पे करेंगे U1, U2, U3, V1, V2, V3। ठीक है दोस्तों, जो हमने U1, U2, U3 हमें असाइन कर दिया, तो यहाँ पे V1, V2, V3 असाइन कर दिया। ठीक है दोस्तों, उसको साइन करने के बाद हमने U1, U2, U3, V1, V2, V3 की वैल्यूज फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड करेंगे? इस इक्वेशन के साथ। ठीक है, वो हम कैसे करेंगे, देखिए सी आई जे है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, सी आई जे, आई जे, जे वाला बनेगा, वन वाला। ठीक है, आपको बताता हूँ। फोर अकुपाइड सेल के, अकुपाइड सेल सपोज कीजिए, सबसे पहले हमारे पास जे है, कौन सा है हमारे पास अकुपाइड सेल, फोर्थ, सॉरी वन है। ठीक है, और ये किसके कोरस्पॉन्डिंग आता है, U1 एंड V1 के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे U1 प्लस V1, और यही हमारी ये इक्वेशन कह रही है सी आई जे। सी आई जे कौन सा है, जो हमारा ऑक्यूपाइड सेल है, और ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है, U1 V1 के, U1 और V1 के। तो ऐसा ही हमने इधर लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास सेल कौन सा ऑक्यूपाइड है, 16, जो जे वाला है, ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है, U2 प्लस V1 के, और आगे जे वाला 24, जे किसके कोरस्पॉन्डिंग है, U2 प्लस V2 के, और नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, जे वाला 16, जे किसके कोरस्पॉन्डिंग है, U3 प्लस V2 के, और नेक्स्ट हमारे पास जे 24 वाला अकुपाइड सेल जो है ना, ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है, U3 प्लस V3 के। तो ये हमारे पास पांच इक्वेशन और बन के आ गई, 1 2 3 4 5। ठीक है, जो हमारी पांच थी, 1 2 3 4 5, तो ये भी हमारी पांच आ गई। अभी हमने क्या करना है, U1, U2, U3, V1, V2, V3 की वैल्यूज फाइंड करनी है दोस्तों। उसके लिए आपको सबसे पहले किसी एक को जीरो बनाना पड़ेगा इसके अंदर। कहने का मतलब, अगर U1, U2, U3, V1, V2, V3, इनमें से सबसे पहले कोई एक वैल्यू ऐसी जो आप जीरो मान सके, जिसको आप जीरो बना सके। ठीक है, ज्यादातर हम क्या करते हैं, जैसे U2 के कोरस्पॉन्डिंग ये दो वैल्यूज आ रही हैं, U3 के अंदर भी, U1 के लिए एक आ रही है, V1 के भी दो, V2 के लिए भी दो आ रही है, और V3 के भी लिए एक आ रही है। जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यूज एलोकेट हुई हो, हम उसको ही ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो अपना आंसर वैसे भी आ जाएगा, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। जैसे सपोज कीजिए, मैं यहाँ पे U1 इज इक्वल टू जीरो ले रहा हूँ, आप जब न्यूमेरिकल इसको करोगे, आप कोई और वैल्यू जीरो लेके देख लेना। ठीक है ना, आपको मैं बता रहा हूँ, अभी U1 जीरो ले लिया, तो हमारे पास V1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 4। ठीक है, U1 हमारा जीरो हो जाएगा, तो V1 इज इक्वल टू 4 बन जाएगा ना। तो अभी हमने V1 की वैल्यू 4 आ गई, तो वो V1 की वैल्यू यहाँ पे फिल कर देनी। अगर V1 यहाँ पे फिल कर दे, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 16 इज इक्वल टू U2 प्लस 4। अभी ये 4 ये आगे माइनस हो जाएगा, 16 में से 4 गया, कितना रह गया U2 की वैल्यू, 12। अभी जहाँ पे U2 की वैल्यू पर भर देनी है 12, और 12 इधर आके माइनस हो जाएगा, 24 में से 12 गया 12, V2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 12। ठीक है, अभी U3 की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी, यहाँ पे 12 आ गई U2 की वैल्यू, सॉरी V2 की वैल्यू, वहां जहां पे आके माइनस हो जाएगी, 16 में से 12 आ गया, तो कितना रह गया, 4। तो ये हमारी वैल्यू 4 होगी। अभी यहाँ पे किसकी वैल्यू, V3 की, V3 की कैसे फिल करेंगे, जहाँ पे फाइंड करेंगे, यहाँ पे U3 की हमको पता है वैल्यू 4 है, अगर हम यहाँ पे 4 रख दे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 24 इज इक्वल टू 4 प्लस V3, तो 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, V3 इज इक्वल टू 20। हमारे पास 6 की 6 वैल्यूज आ गई, 1 2 3 4 5 और 1 6, वही वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इसके आगे लिख देंगे, U1 0, U2 की वैल्यू कितनी आई, 12,
और U3 की वैल्यू आई 4, V1 की वैल्यू आ गई 4, V2 की 12 और V3 की कितनी आ गई 20। तो इतना पहले आपने कर लेना, ठीक है। इतना करने के बाद हमने क्या करना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड करनी है जो हमारे पास नॉन ऑक्यूपाइड सेल है। फिर क्या करना है, नॉन ऑक्यूपाइड सेल, यहाँ पे क्या किया था ऑक्यूपाइड सेल, अभी क्या करना है नॉन ऑक्यूपाइड सेल। नॉन ऑक्यूपाइड सेल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए एक कंडीशन और है इसके जैसी है। वो क्या है, जो भी हमारे नॉन ऑक्यूपाइड सेल है, कौन कौन से है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसकी 4 क्वेश्चंस बनेगी। वो कैसे बनेगी, सपोज कि हमारे पास सबसे पहले नॉन ऑक्यूपाइड सेल कौन सा है, ये वाला, ये कौन सा है, C12, यही वाला है ना, जैसा मैंने आपको बताया था, फर्स्ट लाइन का सेकंड सेल, फर्स्ट लाइन का सेकंड सेल C12, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू कितनी है, 8, इसमें से माइनस कर देने हैं U1 प्लस V2, क्यों, U1 और V2 के कोरस्पोंडिंग ही है ना ये दोनों, ये जो सेल है U1 और V2 के कोरस्पोंडिंग ही है। तो इन दोनों का जो सम कर देना, इन दोनों को ऐड कर देना, जो भी वैल्यूज आ रही हो, जैसे 16 के लिए कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, 12 और 20, तो इसके लिए कौन सी आ रही है, 0 और 12, इन दोनों का सम करके इसमें से निकाल देना, ठीक है। C12 = 8 - U1 + V2, तो जहां पे हमारा क्या आ जाएगा, 8 - 0 - 12, 0 + 12, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 8 - 12, तो अपना आंसर आ गया -4, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट थी, और जहाँ पे हम सेकंड देखेंगे, सेकंड कौन सा है, C13, C13, ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है, 0 और 20 के, कितना आ रहा है, 8, 8 - 0 + 20, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, अगर 8 में से 20 चला गया तो कितना रह जाएगा, -12, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला कौन सा है, जे वाला, ये कौन सा है, C23, कौन सा है, C23, और इसका वैल्यू कितना है, 16 - 16, जे वाला हो गया, माइनस क्या करना है, 12 जमा 20, ठीक है, 12 जमा 20, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 16 - 12 और जमा 20 कितना बन गया, 20 30 और 2 32, 16 में से 32 गया तो -16। तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, C31 = 8, 31 है ना थर्ड लाइन का फर्स्ट सेल, तो ये किसके कोरस्पोंडिंग है, U3 एंड V1 के, 4 और 4 8, 8 - 8 कितना हो गया, 0, ठीक है। दोस्तों अभी हमारे पास ये कुछ वैल्यूज आ गई, इनमें से हमने देखनी है जो सबसे बड़ी है नेगेटिव वैल्यू, सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, ये वाली, ठीक है। जो भी हमारे पास सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू है वो हमने ले लेनी है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक लूप बनाना है। वो कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नई शीट पे हम पहले अपना जो टेबल है वो ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, जो हमने पहले वाला किया था। तो इसके अंदर हम वैल्यूज नहीं फिल करेंगे, वैल्यू जो हमारी न्यू आएगी हम वो फिल करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया टेबल, 4 8 8 16 24 16 8 16 24, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा बन गया, सेल बन गया, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि जो हमारे पास सबसे बड़ी आ रही है वैल्यू नेगेटिव में, कौन से सेल के कोरस्पोंडिंग आ रही है, 2 3, ठीक है दोस्तों। तो 2 3 हमारे पास सेल कौन सा है, जे वाला। अभी हमने एक लूप बनाना है, लूप कैसे बनाना है कि हम शुरू तो इधर से करेंगे, आप इधर जाओ इधर जाओ इधर, जहां पे मर्जी जाओ, जाना आपने स्ट्रेट है, ठीक है। और जहां पे हम बेंड करेंगे 90 डिग्री पे करेंगे, वो किसी यूज्ड सेल के अंदर होना चाहिए, कहने का मतलब ऑक्यूपाइड सेल के अंदर। सपोज कीजिए आप जहां से जहां गए,
तो आप जहां पे तो कोई सेल अकुपाइड नहीं है, तो जहां पे आपका गलत हो जाएगा, आप टर्न नहीं कर सकते। तो आप टर्न कहाँ पे कर सकते, अगर आप जहां पे जाओगे, जहां पे जाओगे टर्न जहां पे करोगे, जहां पे सेल नहीं है तो गलत हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, नीचे आओगे। हाँ, नीचे भी आपका यूज सेल है जहां से आप टर्न कर सकते हो। यहाँ पे टर्न करके आप यहाँ पे जाओगे, जहां से फिर टर्न करके जहां पे आओगे, आप क्या लूप बन जाएगा ऐसे। आपने बस यही बनाना है, इसी के अंदर सारा दिमाग लगेगा आपका, जो भी एग्जाम के अंदर लगेगा। ठीक है, तो जहां पे आपने शुरू किया वो प्लस, जहां पे गए नेगेटिव, फिर आगे गए पॉजिटिव, फिर आगे गए नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही आपने एक छोटा सा बॉक्स बना लेना साइड के अंदर। ठीक है, आप पेंसिल से बनाओगे अगर आपको एग्जाम में जरूरत पड़ जाए तो। ठीक है, यहाँ पे आपका 16 आ रहा था, यहाँ पे 24, यहाँ पे 16 और यहाँ पे भी 24, यही आपका लूप बन रहा था। 16 24, 16 24, जहाँ पे 66, 36 और 41, 66, 36 और 41, ये आपकी एलोकेशन हुई थी जो आपने किया था। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया आपको। तो अभी आपने क्या करना है, माइनस वाली सबसे छोटी वैल्यू देखनी है। माइनस कहाँ पे है, जहाँ पे और जहाँ पे। ठीक है, इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है, 41 की। आप इसको तो चेंज नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये तो हमारा बेसिक है। तो आपने तो एलोकेशन ये 41 किया था ना, इसलिए इसी को ही देखना है। सबसे छोटी वैल्यू देखनी माइनस की, जहाँ पे 66 है तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसको 41 को करेंगे। तो ये जहाँ पे भी हमारे पास प्लस आ रहा है वहाँ पे ऐड कर देना है, और जहाँ पे नेगेटिव आ रहा है वहाँ से नेगेटिव कर देना है। तो जब हम इसको कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो ये हमारा 16 वाला था और ये 24 वाला, ये भी 16 वाला और ये भी 24 वाला, जहाँ पे 41 था। अगर 41 से 41 माइनस कर दिया तो कितना, 0। देखिए अभी हमारी एलोकेशन क्या थी, 41, और इस न्यू में क्या आ गई, 0। अभी जहाँ पे कौन सी थी, कोई भी नहीं थी, तो जहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, 41। ठीक है, जहाँ पे क्या था, 66। अगर 66 में से माइनस करें 41, 66 माइनस करें 41, तो हमारे पास आ रहा है 25। ठीक है, अभी यहाँ क्या था, 36। 36 में से जब हम जमा करेंगे 41, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 77। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 77। ठीक है, तो जो हमारा नया टेबल बनेगा वो भी इसके साथ ही बनेगा, जैसा हमने ये वैल्यूज निकाली है। क्या निकाली है, जहाँ पे हमारा 24 था, जहाँ पे हमारा 25 आ जाएगा, जहाँ पे 16 था, जहाँ वहाँ पे 77 आ जाएगा, और जहाँ पे 24 था वहाँ पे 0, जहाँ पे 16 था वहाँ पे 41। ठीक है, जी हमने एलोकेशन कर दी, और जो ऊपर वाले थे वो ऐसे के ऐसे रह जाएंगे, क्योंकि हमने इसको तो यूज़ नहीं किया था ना। अभी ये 56 भी जहाँ पे ऐसे रह जाएगा, और 16 भी हमारा ऐसे रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, जहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद हम फिर इसको क्या करेंगे, अगेन जो हमारा कौन सा स्टेप आ गया, ये वाला थर्ड फोर्थ था ये हमारा, ये वाला। ठीक है, नॉन ऑक्यूपाइड सेल वाला। अभी फिफ्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, अगेन अगेन असाइन करेंगे, अगेन असाइन U1 U2 U3 एंड V1 V2 V3 एंड फाइंड क्या करेंगे, हमने जो जैसे पहले किया था, Cij इज इक्वल टू U1 प्लस UiVj। ठीक है, किसके लिए, फॉर अकुपाइड सेल। ठीक है दोस्तों, आपको बताता हूँ ये स्टेप करने के बाद कि हम कितने स्टेप तक इसको आगे फॉलो कर सकते हैं। असाइन हमने कर दिया U1 U2 U3 V1 V2 V3। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, अकुपाइड सेल। अकुपाइड सेल कौन सा है, ये वाला, फोर इज इक्वल टू U1 प्लस V1, 16 U2 प्लस V1, 24 इज इक्वल टू U2 प्लस V2, 16 इज इक्वल टू U2 प्लस V3, और ये वाला अभी 16 आ गया नीचे भी,
ये किसके इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग है u3 + v2। ठीक है दोस्तों, पांच बन गए, 1 2 3 4 5। तो इसको हम अभी क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे मैक्सिमम एलोकेशन कहाँ पे आ रही है, जैसा मैंने आपको बोला था u2 के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेट u2 = 0 कर दिया, यहाँ पे u2 क्या कर दिया, 0 कर दिया। अगर हमने u2 0 कर दिया तो फिर हम इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे, u2 0 तो हमारा v2 क्या आ जाएगा, v2 हमारा 24 आ जाएगा, और u2 क्या आ रहा है, कहीं पे भी नहीं जहां पे आ रहा है। ठीक है, v1 हमारा कितना आ जाएगा, 16 सीधा ही, क्योंकि u2 हमने 0 कर दिया, जहां पे 0 आ गया v2 किसके इक्वल हो जाएगा, 16 के, सॉरी v1, और v2 किसके, 24 के। तो अभी हम क्या करेंगे, v1 का हमको पता चल गया, हम 16 यहाँ पे फिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 4 = u1 + 16, 16 इधर आके माइनस हो जाएगा, अगर 4 में से 16 गया तो u1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -k 12। ठीक है, तो v2 हमको पता चल गया, v2 से हम यहाँ u3 भी फाइंड कर सकते हैं, u3 कैसे फाइंड करेंगे, 16 = u3 + 24, तो 24 इधर आके माइनस हो जाएगा तो हमारे पास कितना बन जाएगा, -k 8, u3 कितना बन जाएगा, -k 8। तो यहाँ पे u2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, u2 हमने 0 लिया हुआ है, तो हमारे पास v3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। आई होप आपको सभी समझ लग गए होगा, यहाँ तक 5 1 2 3 4 5 6, हाँ अपना 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अभी जहां तक अपना पूरा क्लियर हो गया आपको, तो हम क्या करते हैं, एक नया थोड़ा और बॉक्स बना लेते हैं, वही जो ऊपर बनाया था, कि आपको देखने में थोड़ा आसानी होगी। तो जहां पे 4 8 8 16 24 16 8 16 24, और जहां पे क्या था, 56 16 25 41, और यहाँ पे क्या था, 77। यहाँ पे u1 u2 u3 v1 v2 v3, अभी u1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, -k 12, u2 हमने 0 पुट किया था, u3 हमारी कितनी आ गई, 16, u3 हमारी -8 है, -k 8 है। ठीक है ना, ये -k 8 है, इधर से मिटा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारी कौन सी आ गई, नीचे वाली v1 हमारी कितनी आ गई, 16, v2 हमारी आ गई 24, और v3 हमारी आ गई 16। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इतना पता चल गया होगा। तो फिर आगे हमने क्या करना है, सब फिर ऑप्टिमेलिटी टेस्ट करना है, किसके लिए, नॉन ऑक्यूपाइड सेल के लिए। पहले हमने ऑक्यूपाइड के लिए किया था यहाँ पे, ठीक है, तो अभी कहाँ करना है, नॉन ऑक्यूपाइड सेल के लिए। नॉन ऑक्यूपाइड सेल कौन कौन से है, जे वाले, तो सबसे पहले कौन सा है, C12, और आगे कौन सा है, C13, और उसके बाद जे वाला C31, और जहाँ पे कौन सा है, C33। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इतना पता लग गया होगा अभी। तो उसके बाद हमने क्या करना है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि जहाँ पे जो भी सेल है उसमें से माइनस कर देने है दोनों का प्रोडक्ट, जहाँ पे कितना है, -k 12 + k 24। ठीक है, तो जहाँ पे कितना है, 8 - k 12 + k 16, -k 12 + k 16, और जहां पे कितना है, 8 - k 8 + k 16, -k 8 + k 16, और जहां पे कितना है, 24, -k 8 + k 16। दोस्तों इस बात का याद रखना कि ये सभी माइनस के अंदर है और जहां पे भी माइनस है, ठीक है ना, आप इन दोनों माइनस को एक साथ ऐड मत कर देना। ठीक है ना, कहने का मतलब है
कोलैप्स मत कर देना एक दूसरे के बीच, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 प्लस 24, 24 में से 12 का कितना रह गया, 12 प्लस का 12, ठीक है। और उसके बाद देखिए, जहां पे अंदर जो है ना प्लस का 12 रहेगा, लेकिन जहां पे माइनस है ना, इसलिए जहां पे भी माइनस लग गया, ठीक है। अभी 8 माइनस, जहां पे अंदर क्या रह जाएगा, प्लस का 4, 16 में से 12 गया, 4 ही रहेगा जहां पे माइनस है, ठीक है। जहां पे 8, 16 में से 8 गया, अंदर पॉजिटिव का 8, लेकिन बाहर माइनस है, इसके लिए बाहर भी 8, जहां पे 24, जहां पे भी ऐसे ही होगा। अभी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया, 12, 8 में से 12 गया माइनस का 4, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 8 गया 0, 24 में से 8 गया 16। अभी देखिए, ये माइनस का आ रहा है, ठीक है ना। अगर माइनस का आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये सभी प्लस के आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको आगे और सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे हम मैंने आपको पहले बताया था कि हमने क्या किया था, डायरेक्ट यहाँ पे स्टेप पे आए, यहाँ स्टेप पे आने के बाद हमने क्या किया, ये नई इक्वेशन बना दी और इसको फिर सॉल्व करने लगे। भाई हमने कहाँ तक इसको सॉल्व करना है, हमने वहां तक इसको सॉल्व करना है, ऐसे ही आगे आगे यही वाला मेथड रिपीट करके, जहां तक यहाँ पे जहां तो 0, जहां फिर सभी पॉजिटिव के इंटीजर ना आ जाए, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये नेगेटिव का आ गया। अभी हमने देख लेना है इसका लूप, लूप कैसे देखेंगे, C12, कौन सा है, 12, ये वाला, इसका लूप बनेगा। अभी हम देखिए कैसे बनाएंगे इसका लूप, जहां से जहां पे, जहां पे जहां पे जहां पे, जहां फिर जहां से जहां पे, इधर इधर जहां फिर इधर, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। आप कोई सा पास फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, जहां से यहाँ पे, फिर जहां और फिर जहां पे जाता हूँ, ठीक है। तो वो हमारे पास कौन सा लूप बन जाएगा, जहां पे हमारे पास 8 है, जहां पे हमारे पास 24 है, यहाँ पे 16 है, और जहाँ पे हमारे पास 4 है, 4 के अंदर हमारे पास क्या है, 56, जहाँ पे हमारे पास क्या है, 16, और जहाँ पे हमारे पास है क्या है, 25, ठीक है। यहाँ से जहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, जहाँ से शुरू किया वहाँ पे प्लस, और जहाँ पे गेप पहले माइनस, फिर आगे प्लस, और जहाँ पे फिर माइनस, ठीक है। हमारे पास इसका लूप बन के हमारे रेडी हो गया। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे देखना है सबसे स्मॉल माइनस कौन सा है। स्मॉल माइनस कहने का मतलब जो 0 के पास हो और नेगेटिव के अंदर हो, 0 के पास है नेगेटिव के अंदर, वो कौन सा है, 25। दो ही तो नेगेटिव के अंदर है, जहाँ पे 56 है और जहाँ पे 25 है, दोनों में से स्मॉल कौन सा है, मिनिमम कौन सा है, 25। तो हम इस 25 को अभी क्या करना है, जहाँ पे पॉजिटिव है वहां पे ऐड कर देना, जहाँ पे नेगेटिव है वहां पे इसको माइनस कर देना। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे 8, 24, 16 और 4 है, 25 है, जहाँ पे हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 25। यहाँ पे 25 थे, 25 में से 25 गया 0, 16 में वो 25 जोड़ दिया तो हमारे पास कितना बनता है, 25 और 16 41, ठीक है। 56, 56 में से माइनस की दिया 25 तो हमारे पास कितना बनता है, 31। तो जो हमारा नया नया वैल्यू आएगा वो जी आएगा, 31, 41 और 25। इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टेबल है, ये फिफ्थ वाला था सपोज कीजिए हमारे पास मेथड, और जहाँ पे हम सिक्स्थ वाला लिख लेंगे, तो हम ऐसे फिर टेबल बना लेंगे जैसा हमने पहले बनाया है। जो वैल्यूज़ है, जो अपनी नई आई वैल्यूज़, वो हम इसके अंदर फिल कर देंगे, 4, 8, 8, 16, 24, 8, 16, 24, ठीक है। जो हमारी वैल्यूज आ गई, 4 के अंदर क्या लिख दिया, 31, 8 के अंदर 25, 16 के अंदर 41, 24 के अंदर हमने 0 रहने दिया, और दो वैल्यूज जो हमारी रहती थी वो ऐसे ही रहने दी, जहाँ पे क्या थी, 77, और जहाँ पे क्या थी, 41, ठीक है दोस्तों। अभी हमने क्या करना, इससे आगे फिर
क्या करना, असाइन करना है कौन सा, यू वन यू टी यू थ्री और यू फोर, असाइन यू वन यू टू यू थ्री एंड वी वन वी टू वी थ्री एंड फाइंड सी आई जे, उसका क्या है यू आई प्लस वी जे, फोर ऑक्यूपाइड सेल, फोर ऑक्यूपाइड सेल, ठीक है ये बीच लीजिएगा दोस्तों। ऑक्यूपाइड सेल हमारे पास कौन कौन से है अभी, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है ना। यहाँ पे हमने सबसे फिल कर दिया यू वन यू टू यू थ्री वी वन वी टू वी थ्री, तो हमारे पास ऑक्यूपाइड सेल कौन सा है, ये वाला। मैं यहाँ पे ही सॉल्व कर देता हूँ इसको, फोर इज इक्वल टू यू वन प्लस वी वन, एट इज इक्वल टू यू वन प्लस वी टू, सिक्सटीन इज इक्वल टू यू टू प्लस वी वन, यहाँ पे फिर सिक्सटीन इज इक्वल टू यू टू प्लस वी थ्री, और जहाँ पे सिक्सटीन इज इक्वल टू यू टू प्लस वी टू, ठीक है दोस्तों। एक दो तीन चार पाँच, जी हमारा आगे आ गया। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिस सभी हमारे पास दो दो आ रहा था, सपोज कीजिए हमने क्या किया यू वन इज इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, तो क्या कर दिया यू वन इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे लिख लेते हैं यू वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यू वन जीरो कर दिया तो वी वन हमारे पास क्या हो जाएगा, चार, ठीक है। यू वन जीरो है तो वी टू हमारे पास कितना हो जाएगा, एट। दोस्तों इस इक्वेशन से आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे जीरो फिल करने के बाद यू वन को हम जब हम जीरो फिल कर देंगे ना, हमने लेट किया हुआ है ना, क्योंकि हम इसको सॉल्व करेंगे इसलिए। तो अभी हमारे पास वी वन की वैल्यू चार आ गई, जहाँ पे जब गया तो हमारे पास यू टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बारह। यहाँ पे हम वी वन की वैल्यू लगवा देंगे, ठीक है ना, तो उधर आके माइनस हो जाएगी, सोलह में से चार गया तो हमारे पास बारह रह गया ना। तो अभी यू टू की वैल्यू हमारे पास बारह आ गई, सोलह में से यहाँ पे बारह लिख देंगे, और सोलह में से जब माइनस करेंगे बारह, तो हमारे पास वी थ्री की वैल्यू आ जाएगी इतनी, चार। तो उसके बाद हमारे पास कौन सी वैल्यू रहेगी, यू वन यू टू यू थ्री की वैल्यू रहेगी। यू थ्री की वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, यहाँ पे वी टू की वैल्यू फिल करके, वी टू कितना है आठ, यहाँ पे आठ रखेंगे और इधर आके माइनस हो जाएगा, सोलह में से जब आठ गया तो यू थ्री की वैल्यू हमारे पास कितनी रहेगी, बारह, ए सॉरी सॉरी सॉरी, ये अपने पास आठ रह जाएगी इधर, तो यू थ्री की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, आठ, ठीक है। वी टू की वैल्यू एट है ना, तो हम इधर जब लेके जाएंगे सोलह में से आठ गया तो हमारे पास कितना रह जाएगा, आठ ही रह जाएगा ना। तो अभी हम यही वैल्यू हम इधर असाइन कर देंगे, यू वन की वैल्यू कितनी आई थी, जीरो, यू टू की हमारी कितनी वैल्यू आई थी, यू टू की वाई आई थी ट्वेल्व, और यू थ्री की वैल्यू एट, ठीक है ना, इसको साइड पे रखेंगे। और वी वन की कितनी वैल्यू आई थी, फोर, वी टू की एट, वी थ्री की फोर, इतना हो गया दोस्तों क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टेप था ऑप्टिमेलिटी टेस्ट, किसके लिए, नॉन ऑक्यूपाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनयूज्ड, अनयूज्ड सेल है जो, जिसका हमने इस्तेमाल नहीं किया, वो कौन कौन से है, जैसा आपको पता ही है, एक दो तीन चार, ठीक है ना। सबसे पहला कौन सा है, सी वन थ्री, नेक्स्ट कौन सा है सी, यहाँ पे आपको आई होप दिख रहा होगा यहाँ तक, हाँ ये कौन सा है सी टू टू, ये वाला कौन सा है सी थ्री वन, और ये कौन सा है सी थ्री थ्री, ठीक है दोस्तों। उसके लिए क्या था, जो भी हमारे जो सेल के कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर्स है वो हम लिख लेते हैं, और उसमें से माइनस करते हैं जिसके कॉरस्पॉन्डिंग यू वन और वी वन की वैल्यू, दोनों का सम जीरो प्लस चार, ठीक है ना। तो आगे कौन सा है, चौबीस माइनस बारह जमा आठ, और आगे आठ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी है, आठ जमा चार, और आगे जी वाला चौबीस, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी है, आठ जमा चार,
आठ जमा चार, ठीक है। अभी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? आठ में से चार गया तो हमारे पास कितना बच गया? चार। चौबीस, चौबीस में से जब हम निकालेंगे इसको, बारह और आठ कितना होता है? बीस। चौबीस में से बीस गया तो हमारे पास कितना रह गया? चार। आठ, आठ और चार कितना हो गया? बारह। अगर आठ में से हम बारह निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का चार, ठीक है। चौबीस, आठ और चार बारह, चौबीस में से बारह गया तो हमारे पास बारह रह जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको जहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि जी हमारा नेगेटिव आया। अभी हमने क्या करना है? इसका लूप बनाना है। लूप कौन सा बनाना है? C31 का। 31 कौन सा है? जे वाला। अब इसका लूप बनेगा। तो इसका लूप कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। इसका पहले हम पूरा डायग्राम बना लेते हैं तो आपको थोड़ा और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो जहाँ पे हमारे पास 31 है, यहाँ पे 25, 41, 41 और 77, ठीक है दोस्तों। इतना इनफ है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अभी देखिए कौन सा है? C31। 31 कौन सा है? अपना जे वाला, ठीक है। कौन सा है? जे वाला सेल। इसके अंदर कॉरस्पॉन्डिंग अब हम क्या करेंगे? लूप बनाएंगे। तो उस लूप के लिए हमने यहाँ पे सेल बना दिया। कहाँ पे है वो? यहाँ पे है, आठ। तो जी हमारा सेल कौन सा होगा? पॉजिटिव। अभी अब जब हम इसके अंदर लूप बनाएंगे तो लूप कैसे बनेगा देखिए। आप यहाँ से यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे भी आ सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर, यहाँ पर, जहाँ पर भी आ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आप यहाँ से यहाँ से यहाँ पे कट नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई एलोकेशन नहीं हुई, यहाँ पे कोई एलोकेशन नहीं हुई। तो आप क्या करेंगे? यहाँ से जहाँ पे, फिर जहाँ, फिर जहाँ और फिर यहाँ पे लूप बना लेंगे। वो कैसे लूप बनेगा अपना, ये देखिए। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे हमारी कोई एलोकेशन नहीं थी ना। यहाँ पे कितनी है? 31 हुई। यहाँ पे कितनी? 25 हुई है। और यहाँ पे कितनी हुई है? 77। तो हमारे पास ये एक लूप बन के आ गया। कौन सा? जे वाला। तो अभी हमने क्या देखना है? जो सबसे कम माइनस वाला हो, जीरो के पास में होता हो। दो ही दो माइनस वाले हैं। कौन कौन सा? 31 और 77। तो छोटे वाला कौन सा है? 31। तो हम 31 का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे ऐड कर देंगे और जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ से माइनस कर देंगे। पॉजिटिव का दोस्तों एक बात का याद रखना, जो ये सेंटर वाला आ रहा है जहाँ पे कोई लूप नहीं बनेगा, ठीक है, ये डायरेक्ट पास होके जहाँ पे जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया? 31, जो नई वैल्यू आ गई। जहाँ पे 31 था तो जहाँ पे क्या हो गया? जीरो। जहाँ पे 25 था, 25 और 31 कितना बन गया? 56। और जहाँ पे अभी क्या हो जाएगी? 56। यहाँ पे 31 और जहाँ पे 77 थी, 77 में से माइनस हम 31 कर देंगे तो हमारे पास कितना रह गया? 46, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारे पास नया इसका वैल्यू आया वो कैसा टेबल बनेगा? कुछ ऐसा। जब आप इसको अंदर वैल्यू सभी फिल करोगे, आठ आठ, 16, 24, 41, ये जहाँ पे सॉरी 16 था, ठीक है, आठ, 16, 24। अभी जहाँ पे चार था वहाँ पे क्या आ गया? 31। और जहाँ पे क्या था? 25, सॉरी 56 आएगा अभी इधर, 56। जहाँ पे 31 था अभी जहाँ पे जीरो बन जाएगा, क्योंकि हमने नया लोकेशन किया हुआ है ना। तो जहाँ पे 41 था तो 41 रह जाएगा। और जहाँ पे हमारे पास 31 आ जाएगा, और जहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 46। तो सेंटर वाला हमारे पास कोई नहीं है। तो हमारे पास ये जो नया वैल्यूज आ गई, जहाँ पे क्या था हमारे पास? 41 था। तो ये आपका ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया? नया वैल्यूज, एक दो तीन चार पाँच। ये अपने अभी जीरो हो गया दोस्तों। इसको भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर अभी कितना ऑप्टिमल तक पहुंच चुका है, ठीक है। तो जब हम इसको चेक करेंगे तो कैसे करेंगे? 56 इंटू 8 प्लस 41 इंटू 16 प्लस 41 इंटू 16 प्लस 31 इंटू 8 प्लस
प्लस 46 इंटू 16, 4 5 1 2 3 4 5। तो जब हम इसको चेक करेंगे तो हमारे पास ऑप्टिमलिटी का टेस्ट आ जाएगा, तो कि हम अपने आंसर के थोड़ा करीब जा रहे हैं कि नहीं, हमको थोड़ा आइडिया रह जाएगा, हो जाएगा, ठीक है ना। तो जी अपना आंसर आया 27 44, ठीक है। तो जब हमने सबसे पहले किया तो हमारा सबसे पहले आंसर क्या आ रहा था, जहाँ पे 3624। कहने का मतलब अप्रोक्सीमेटली हम 900 कॉस्ट अपनी कम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। हम अभी नेक्स्ट स्टेप देखेंगे और देखेंगे कि इसका और सोल्यूशन हो सकता है आगे कि नहीं। तो हमारा 7th स्टेप था। अभी दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो कौन सा है, अभी हम असाइन करेंगे फिर दोबारा से, क्या U1, U2, U3 एंड V1, V2, V3, और उसके बाद फिर करेंगे क्या, ऑक्यूपाइड सेल है, जो ऑक्यूपाइड सेल है वो, उसके लिए हम देखेंगे क्या CIJ, CIJ UI प्लस VJ। तो हम ये दोबारा से हम अपना जो सेल है वो ड्रा कर लेंगे, अपना मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स हमने ये ड्रा कर ली। तो जहाँ पे क्या था, 4 8 8 16 24, 8 16 24, 56 41 41 31 और 46, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए हमने U1 U2 U3 V1 V2 V3 जी हमने क्या कर लिया, असाइन कर लिया। तो हम अभी क्या करेंगे, हम वैल्यू फाइंड करेंगे U1 U2 U3 की। तो हमने लेट कर लिया U1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम जो हमारे ऑक्यूपाइड सेल है वो कौन कौन से हैं, 8 इज इक्वल टू U1 प्लस V2, नेक्स्ट 16 है U2 प्लस V1, U2 प्लस V1, नेक्स्ट 16 U2 प्लस V3, नेक्स्ट 8 इज इक्वल टू U3 प्लस V1, नेक्स्ट 16 इज इक्वल टू U3 प्लस V2, ठीक है। तो हमने U को 0 पुट कर दिया, U1 को 0 पुट करने के बाद हमने क्या देखा, तो जो हमारा V2 है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 8। U1 के बाद 0 पुट करेंगे तो V2 की वैल्यू 8 आ गई। अभी V2 कहाँ कहाँ पे है, V2 जहाँ पे है, और यहाँ से U3 की वैल्यू आ जाएगी। U3 की वैल्यू कितनी आ गई, अगर V2 की वैल्यू 8 फिल कर दी तो यहाँ पे 16 में से 8 गया तो हमारे पास U3 की वैल्यू आ जाएगी 8 जी। हमने इसकी 8 वैल्यू लिख दी। अभी U3 हमारा यहाँ भी है, अगर जहाँ पे हम 8 वैल्यू लिख देंगे और 8 में से 8 गया कितना, 0, तो हमारे पास V1 की वैल्यू भी 0 आ गई। अगर जहाँ पे V1 की वैल्यू 0 आ गई तो हमारे पास U2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16, ठीक है। अभी U2 की वैल्यू 16 आ गई तो हमने जहाँ पे फिर 16 ले आना, तो हमारे पास V3 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0। यहाँ पे U2 की वैल्यू 16 है, यहाँ पे 16 में 16 आ गया तो कितना बचेगा, V3 की वैल्यू 0। तो हमारे पास V1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई, 16, सॉरी 8, और V3 की वैल्यू 0। U1 की वैल्यू हमने 0 पुट कर ली थी और U2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 16, और U3 की 8, ठीक है। तो अभी हमने क्या चेक करना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसकी, नॉन ऑक्यूपाइड की, नॉन ऑक्यूपाइड सेल के अंदर हमने अपॉर्चुनिटी चेक करनी। वो कैसे करेंगे, नॉन ऑक्यूपाइड कौन सा है, ये वाला सबसे पहले, C11। आगे कौन सा है, C13, ये वाला। आगे कौन सा है, ये वाला C22। आगे कौन सा है, ये वाला C33, ठीक है ना। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने जो वैल्यूज है वो लिख लेनी है, 4 8 24, और ये भी अपना 24। इसके अंदर माइनस करना है, क्या करना है, जो भी इसके अंदर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है U1 और V1 की, ठीक है। U1 और V1 का सम करना है, 0 प्लस 0 हो जाएगा, और इसके अंदर कौन सा है, 0 प्लस 8, 0 प्लस 8,
और इसके अंदर कौन सा है, 16 + 8, और इसके अंदर कौन सा है, 8 + 0। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 0 + 0 = 0, 4 में से अगर कुछ नहीं जाएगा तो 4 बच जाएगा, 8, 0 + 8 8, 8 में से 8 का कितना आ गया, 0, 24, 24 में से -1 16 और 8 24, 24 में से 24 का कितना, 0, 8 + 0 8, 24 में से 8 का कितना बन गया, 16। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रही, सभी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो फाइनल है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, वो कौन सा है जो हमारा लास्ट पे आ रहा था, कितना आ रहा था, यही वाला, कितना है, 2744। मिनिमम कॉस्ट जो अपनी आएगी वो कितनी आएगी, इतनी। तो जो हमारा लास्ट पे आंसर आएगा वो यही वाला जो हमारा बॉक्स है, इसको हम थोड़ा बड़ा करके बना देंगे और हमारी एक एक वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो ये वाला आ गया। तो इससे हमको पता चलता है कि अगर हम ये वाले एलोकेशन करें तो हमारी जो कॉस्ट है वो सबसे मिनिमम आएगी, तो हमारा जो एफिशिएंसी है वो सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, हमारा जो माल है, जो भी हमारे पास सामान है डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, जहाँ से जहाँ तक, वो भी हो जाएगा और हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा जो मोडी मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे स्टिपिंग स्टोन मेथड। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।